फ्रेंड्स, इस वीडियो के बारे में बात करने से पहले मैं बात करना चाहूंगा मेरी सुबह वाली वीडियो के बारे में, जो कि मैंने जर्मन शेफर्ड एंड डोबरमैन की वीडियो डाली थी। तो इस वीडियो के लिए मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहूंगा, बिकॉज इस वीडियो में जो ये जर्मन शेफर्ड है, मैंने गलती से इसे फीमेल बोल दिया था जबकि ये मेल है। तो अगर आप लोग इसे अफोर्डेबल प्राइस में परचेज करना चाहते हैं तो भाई इस वीडियो का लिंक आप लोगों को ऊपर आई के बटन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को एक बार जरूर दोबारा से चेकआउट करें। एंड दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिकन बुली पपीज के बारे में। और सिर्फ ये पपीज ही नहीं, बल्कि इनकी जो मदर है ये भी सेल के लिए अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर इन पपीज की और इनकी मदर के साइज के बारे में बात करें तो ये स्टैंडर्ड साइज में है और ये सभी के सभी फीमेल अवेलेबल है। और फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप लोग चाहे इस एडल्ट फीमेल को परचेज करो या फिर छोटे पपीज को, दोनों का प्राइस सेम है। तो फ्रेंड्स, पपीज जो हैं वो काफी एक्टिव हैं। और दोस्तों, अमेरिकन बुली एक बहुत ही अच्छी फैमिली डॉग ब्रीड होती है। चाहे आप लोग फर्स्ट टाइम ओनर्स हो या फिर सेकंड टाइम ओनर्स, इस ब्रीड को आप लोग इजीली हैंडल कर सकते हो, क्योंकि इन्हें ट्रेन करना और इन्हें सोशलाइज करना काफी आसान होता है और ये अपार्टमेंट एंड चाइल्ड फ्रेंडली डॉग्स होते हैं। और फ्रेंड्स, काफी सारे डॉग्स ऐसे होते हैं जो गर्मियों में काफी परेशान हो जाते हैं और उन्हें मेंटेन रखना भी काफी मुश्किल होता है, लेकिन अमेरिकन बुली सबसे आसान है गर्मियों में भी मेंटेन रखना, क्योंकि इनका बहुत ही शॉर्ट कोट होता है तो इन्हें नहलाने में ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती। और जो आप लोग अपने डॉग्स के लिए एक्सपेंसिव शैम्पूस लेकर आते हैं वो भी ज्यादा खर्च नहीं होते। तो फ्रेंड्स, पपीज जो हैं वो तो अच्छी क्वालिटी में है ही, साथ में आप लोग इनकी मदर को भी देख चुके हैं। तो अभी जो आप लोग देख रहे हैं ये इन पपीज के फादर हैं, जो कि बहुत ही शानदार क्वालिटी में है। बट गाइस, ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पपीज को परचेज करने से पहले इनके पेरेंट्स के बारे में अच्छे से क्लियर जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स, अगर सबसे पहले इन पपीज की एज के बारे में बात करें तो आज ये 29 डेज के हो चुके हैं एंड उन्होंने जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो क्या है, 15,000 रुपीस यानी 15,000 रुपए। बाकी आप लोग पपीज के प्राइस में डॉग ओनर से बार्गेनिंग भी कर सकते हैं, बिकॉज प्राइस नेगोशिएबल है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं इन पपीज की मदर के बारे में, और ये भी सेल के लिए अवेलेबल है। लेकिन दोस्तों, इस फीमेल के बारे में बात करने से पहले बात करते हैं हमारी पिछली वीडियो के टॉप 3 कमेंट्स के बारे में, जिसमें से फर्स्ट है शिवानी सिंह, सेकंड है प्रशांत चौधरी एंड थर्ड है ब्रोकन हार्ट। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस फीमेल को परचेज करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये फीमेल 2 इयर्स की हो चुकी है और ये ऑलरेडी पपीज को जन्म दे चुकी है, जो कि आप लोग स्टार्टिंग में देख ही चुके हैं। तो इस चीज में तो कोई डाउट नहीं, फीमेल फुल्ली रिजल्ट प्रूफ है। और इन दोनों की जो लोकेशन है वो है दिल्ली NCR से। एंड गाइस, ओनर आप लोगों को सिर्फ दिल्ली NCR में डिलीवरी प्रोवाइड करा पाएंगे, अदरवाइज आप लोगों को डायरेक्टली ओनर के पास जाकर इन्हें परचेज करना होगा। और फ्रेंड्स, प्राइसिंग तो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ कि दोनों की सेम है, चाहे आप लोग छोटे पपीज को परचेज करो या फिर इस एडल्ट फीमेल को। तो उन्होंने जो इसके प्राइस की डिमांड की है वो भी की है 15,000 रुपीस यानी 15,000 रुपए, एंड इसके प्राइस में भी आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा। अब ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग डॉग ओनर से किस तरह से बार्गेनिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो जल्दी मिलता हूँ आप लोगों से एक और न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।